जयपुर में तैयारियां जोरों शोरों पर रही, अब उसके बाद अब सभी को इंतजार है कि कल जब नव संकल्प शिविर का आगाज होगा तो किन किन मुद्दों पर चिंतन होगा, किन किन मुद्दों पर मंथन होगा। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया कि अध्यक्ष पद का नाम सभी चाहते हैं राहुल गांधी हो, पर अभी इसको लेकर चिंतन नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए बेहद महत्वपूर्ण आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और उसके बाद ये जो सवाल था सबके दिमाग में था, क्या राहुल गांधी की ताजपोशी होगी, उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जवाब दिया गया है। देखिए, चिंतन शिविर की बात करें, तैयारियों की बात करें, उससे पहले मंत्री रामलाल जाट हमारे साथ मौजूद है, जो आज पूरे दिन उदयपुर में घूमे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। अभी जो ताज अरावली जो रिजोर्ट है, जो होटल है जहां पे मुख्य कार्यक्रम होना है, वहां पे ये मौजूद रहे हैं, पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया है। किस तरह से इस शिविर को आयोजित किया जाएगा पूरी हम बात करते हैं। मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस अध्यक्ष ने ये शिविर आयोजित करने का फैसला किया और मुख्यमंत्री ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने भी सुना था, उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक क्षण होगा और यहाँ से एक नई शक्ति का यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, एक नई शक्ति दिखाई देगी। अभी आप पूरा दौरा भी करके आए हैं, पूरी तैयारियाँ है, किस तरह की तैयारी और क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जो जोश है अब देखने को मिलेगा? सर, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस आलाकमान आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान को चुना। राजस्थान में भी मेवाड़ जो शूरवीरता की साहस बलिदान त्याग तपस्या की भूमि को माना जाता है, या महाराणा प्रताप मेरा पन्नाधाई जैसे हमारे पूर्वज हुए हैं उनकी धरती पे उदयपुर सिटी को चुना, जो दुनिया की 10 शहरों में जो टॉप 10 शहरों में आती है उस जगह को चुना। और यहाँ से जो नव संकल्प चिंतन से जो निकलेगा हमारे सारे जो सीनियर नेताओं के माध्यम से, उससे देश का आगे कल्याण हो। जो आज़ादी से पहले कांग्रेस और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो धर्म निरपेक्ष भाईचारा आपस में इस देश को सजोया, इस देश को आगे बढ़ाया, चंद्रमा तक पहुँचाया, उन चीज़ों को मंथन होगा और उससे नई चीज़ निकलेगी जिससे देश का नव निर्माण होगा, रोजगार के लिए साधन उपलब्ध होंगे, किसानों को मदद मिलेगी, आर्थिक उद्योग धंधे चलेंगे जिससे बेरोजगारी खत्म होगी, पूरे देश का नया कायाकल्प हो, ऐसा हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस नव चिंतन शिविर में नव संकल्प लेकर निकलेगी जिससे देश का एक दिशा देगी, एक भला होगा। अमल जी, क्या माने कि 2023-2024 के चुनाव को जीतने के लिए मंथन होगा या फिर जो कांग्रेस जो अधिकांश राज्यों में जिनकी सत्ता जा चुकी है उसको फिर से वापसी कराने के लिए मंथन होगा? देखो, कांग्रेस ने सत्ता के लिए कभी ऐसी चीज़ नहीं की। आप देखो 1885 से लेकर 1947 तक 61 साल तक जिस तरह कांग्रेस ने कोई सत्ता के लिए नहीं, देश को गुलामी से मुक्त कराने का काम किया है। आज भी कांग्रेस उन विचारों को जो हमारे पूर्वज चाहे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मौलाना आज़ाद साहब, शहीद भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, टैगोर साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, कई ऐसे नेता हैं जिनकी विचारों से देश का निर्माण हुआ, इस कांग्रेस का निर्माण हुआ, उन विचारों से ही भाईचारा पनप रहा है। इस दुनिया इस चीज़ को गांधी जी के चिन्हों को मान रही है। आज उनका हश्र भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश में कर रही है, अब देखो हर साहित्यकार हर न्यूज में वो चीज़ें आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? कि उनको सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस देश का निर्माण, देश में विकास करने का काम करना चाहती है, उसी का चिंतन होगा, उसी के नए संकल्प निकालने के लिए चिंतन हो रहा है, बाकी कांग्रेस आम लोगों की पार्टी है। किस तरह की तैयारी अंदर हो रही है, आप पूरा देख के जायजा लेके आए हो, या राजस्थान कला और संस्कृति भी यहाँ देखने को मिलेगी, किस तरह का स्वागत रहेगा, क्योंकि पूरी कांग्रेस जो पार्टी एक तरह से कहें बिल्कुल। नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी शिवेंद्र का रुख कर लेते दिल्ली से।